नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सीएबी और एनआरसी को लेकर के देश भर में माहौल पिछले कुछ दिनों से गर्म है। जब से सीएबी बिल पारित हुआ है, उसके बाद से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ स्टेट्स और साथ में बंगाल के साथ साथ दिल्ली और तमाम वो जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू नेता प्रशांत किशोर लगातार सीएबी एनआरसी को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने सीएबी के जेडीयू के समर्थन पर पहले सवाल खड़े किए, उसके बाद उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एनआरसी पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो एनआरसी के पक्ष में नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बाद आज प्रशांत किशोर ने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने फिर से बोला है हमला। ये हमला है, जो ट्वीट है वो दरअसल अंग्रेजी में है, जिसमें प्रशांत किशोर लिखते हैं कि द आइडिया ऑफ नेशन वाइड एनआरसी इज इक्विवेलेंट टू द डिमोनेटाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप इन वैलिड टिल यू प्रूव इट अदरवाइज। द बिगेस्ट सफरर्स वुड बी द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड हु नो फॉर द एक्सपीरियंस हैशटैग नॉट गिव इट अप नॉट गिविंग अप, माफ कीजिएगा। और देखिए ये जो ट्वीट है उसमें इसका हिंदी में मतलब समझिए कि जो एनआरसी आने वाली है देश भर में, वो बिल्कुल जो डीमोनेटाइजेशन था नागरिकों पर, बिल्कुल उसके बराबर का ये होगा और इसको इनवैलिड करने के लिए लोगों को प्रयास करते रहना होगा। अगर लोगों ने प्रयास छोड़ दिया तो ये नोटबंदी की तरह ही लोगों पर लादा जाएगा और सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या में जो लोग सफ़र करेंगे वो बिहार के साथ साथ देश के गरीब लोग होंगे या फिर जो हाशिए पर हैं। तो ये प्रशांत किशोर हैं जो कि एनआरसी और सीएबी को लेकर के लगातार अपनी पार्टी से अलग स्टैंड रखते हुए नजर आ रहे हैं। सीएबी पर जहां जेडीयू ने समर्थन किया तो प्रशांत किशोर ने खिलाफत कर दी और अब एनआरसी के बहाने उन्होंने केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। लोगों को आगाह किया है कि एनआरसी अगर आता है तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान गरीब तबके को उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।